दूर संचार उद्योग की स्थिति पर आशंकाओं को और बढ़ाते हुए भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल वोडाफोन इंडिया को दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड 74,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जी हाँ, बता दें आपको कि इसी बारे में सूत्रों के अनुसार जो पता चला है वो ये है कि 1 अरब से अधिक मोबाइल ग्राहकों के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े दूर संचार बाजारों में से एक है। इसके बावजूद कंपनी को जो नुकसान हो रहा है इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि जब कई सालों तक टेलीफोन कॉल की कीमतें गिरने के बावजूद इसके डेटा की कीमतें लगातार ऊंची बनी रही, लेकिन 3 साल पहले जब रिलायंस जियो आया तो सब कुछ बदल गया। जियो के आने से डेटा की कीमतों में बेतहाशा गिरावट आई और इसने वॉयस के बाजार को डेटा बाजार में बदल दिया। अब नतीजा ये हुआ कि भारत डेटा के मामले में दुनिया का सबसे सस्ता देश बन गया, लेकिन साथ ही इससे भारतीय बाजार में पहले से मौजूद कंपनियों पर गहरा असर पड़ा। उन्हें रिलायंस की कीमतों के अनुरूप अपने प्लान लाने पड़े, जिसकी वजह से या तो उनको फायदा कम हुआ या फिर नुकसान हो गया। बता दें कि दूसरा कारण जो है वो इससे भी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मामला। इसका मतलब ये है कि दूरसंचार कंपनियों को अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार के दूरसंचार विभाग के साथ साझा करना होगा। हालांकि टेलीकॉम कंपनियां और सरकार के बीच एजीआर की परिभाषा को लेकर साल 2005 से ही मतभेद रहे हैं। कंपनियां चाहती हैं कि केवल टेलीकॉम से प्राप्त राजस्व को इसमें जोड़ा जाए, लेकिन एजीआर को लेकर सरकार की कहीं व्यापक परिभाषा थी। वो गैर टेलीकॉम राजस्व जैसे कि जमा पर अर्जित ब्याज और संपत्ति की बिक्री को भी इसमें शामिल करना चाहती थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इनमें से अकेले वोडाफोन इंडिया का हिस्सा 40,000 करोड़ रुपए का है। अब सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि कंपनियों के पास इतना पैसा आएगा कहां से, और यही सवाल सभी टेलीकॉम कंपनियां भी पूछ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार दूरसंचार ऑपरेटरों पर भारी भरकम टैक्स और शुल्क का बोझ डालना बंद नहीं करती है तो भारत में कंपनी के भविष्य पर संकट आ सकता है। वोडाफोन ने भारत में आइडिया के साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू किया था, अब इसे यहां वोडाफोन आइडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय टेलीकॉम बाजार में राजस्व यानी कि रेवेन्यू के मामले में उसकी हिस्सेदारी 29% है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में असहयोगी रेगुलेशन और बहुत ज्यादा टैक्स की वजह से हम पर बहुत बड़ा वित्त बोझ है, और अब इससे भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट से इनके लिए नकारात्मक फैसला आया है। बता दें कि एक दिन बाद ही उन्होंने सरकार से माफी मांगते हुए कहा कि भारत से बाहर निकलने की कंपनी की कोई योजना नहीं है। लेकिन तथ्य ये है कि इस माफी के बावजूद सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि वोडाफोन ने भारत के अपने निवेश की कीमत को 0 दर्शाया है। साथ ही चर्चा ये भी है कि अब वोडाफोन आइडिया में और अधिक निवेश करने को लेकर ना तो वोडाफोन और ना ही आदित्य बिड़ला समूह उत्सुक है। लिहाजा जब तक कंपनी के मालिक अपने इस रुख को पलटते नहीं हैं और भारत में और निवेश नहीं करते, उनके भारतीय बाजार से कारोबार समेटने की संभावना और प्रबल हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए बिजनेस के नजरिए से ये कितना खराब है, अगर वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनी देश छोड़ने का फैसला करती है तो इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर पड़ सकता है। वहीं ये केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नहीं है, वास्तविकता ये है कि बीते 10 साल से वोडाफोन और भारत सरकार के बीच टैक्स का मुद्दा चला आ रहा है। इसलिए अगर वोडाफोन जैसा ब्रांड अगर अपनी दुकान भारत से समेटेगा तो ये उन अन्य निवेशकों के लिए भी चिंता का विषय होगा जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। तुरंत नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस कंपनी के भारत छोड़ने के बाद टेलीकॉम सेक्टर की कीमतें बढ़ जाएंगी और बढ़ी कीमतों का बोझ उन पर पड़ेगा।
लेकिन कीमतों के बढ़ने का हमेशा गलत मतलब ही नहीं निकाला जाना चाहिए। एक सच्चाई ये भी है कि ये बाजार में कुछ प्रतिस्पर्धा करने का एकमात्र तरीका भी है। भारत में टेलीकॉम कंपनियों और खासकर वोडाफोन के बने रहने और बढ़ने के लिए ऐसा होने की जरूरत है। सच्चाई ये है कि वोडाफोन के जाने के बाद देश में केवल दो ही बड़े ऑपरेटर बच जाएंगे और किसी भी बाजार में केवल दो कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो तो ये ग्राहकों के लिए बेहतर नहीं होता। नेक्स्ट नाइन टेक से श्रुतिक रिपोर्ट।